अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी किचन में बनने वाली है कराची बिरयानी, जिसके लिए हम सबसे पहले चावल बॉईल करेंगे। और इसके लिए ले लिया है हमने पानी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं खड़े मसाले, ज़ीरा, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें लीमू, लीमू का पानी भी डाल सकते हैं, इससे आपके जो चावल हैं उनका कलर चेंज नहीं होता, वाइट ही रहते हैं। और लास्ट में हमने ऐड किया है सिरका। अब हम ये पानी अच्छे से बॉईल कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे चावल। आपने कभी भी चावलों को ठंडे पानी में ऐड नहीं करना। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। और हल्का सा मैंने इसमें एक टेबल स्पून घी भी ऐड कर दिया था, इससे आपके जो चावल होते हैं बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। जी तो हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। और देखिए हमारे जो चावल हैं बिल्कुल निखरा निखरा, एक एक चावल अलग अलग है। और यहाँ पे मैंने एक ली है कढ़ाई, मसाला तैयार करेंगे अब हम यहाँ पे। और मैंने लिया है एक चम्मच घी का। घी गर्म होने के बाद हम उसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मोटा मोटा कुटा हुआ है, मैंने इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा। और इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, ये इत्तेफाक से जो मेरे पास पीसीज आए हुए थे सभी वो लेग पीस थे, लेकिन आप इसमें किसी किस्म की भी पीसीज ले सकते हैं चिकन के। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब मेरी जो चिकन है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू हम इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। सॉरी, यहाँ नमक की जो वीडियो थी वो पॉज हो गई थी तो वो बनी नहीं। आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 से 7 मिनट इसी तरह फ्राई करना है चिकन को। तो चिकन फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ धनिया, टमाटर और ज़ीरा। इसे हम पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जी तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इस यहाँ ऐड किया है शान बम्बई बिरयानी मसाला। इसमें काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ आती हैं, अगर आपको कराची वाला टेस्ट ही चाहिए तो आपने शान बम्बई बिरयानी मसाला ही यूज़ करना है। और मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई हरी मिर्चें। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी दही और इसे हम पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी तो हमारा मसाला जो है वो टोटली 10 से 15 मिनट्स बाद बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर निकल आया है। अब हम एक पतीला लेके उसमें लेयर्स लगाएंगे, पहले चावलों की लेयर्स, फिर ऊपर मसाला डाल रही हूँ मैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से आपने चावलों की तह लगानी है और फिर दोबारा आपने मसाला डालना है। और ये लास्ट में मैं चावलों की तह लगा देनी है और उसके ऊपर मैंने ऐड किया है फूड कलर, धनिया और थोड़ी सी अदरक। आप इसमें लास्ट में लीमू भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें दम लगाऊंगी और ये 5 से 10 मिनट हो चुके थे दम को। और जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है बिरयानी का। और चावल देखें बिल्कुल एक एक दाना निखरा निखरा बिल्कुल अलग अलग है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।